हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है 3 मार्च के एनालिसिस के लिए, 3 मार्च के एनालिसिस के लिए। आज 2 मार्च था, और जैसे कि अगर आप लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो सकती है, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर सस्टेन करती है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन आज गैप अप तो ओपन हुई और थोड़ा ऊपर सस्टेन भी करी, लेकिन आफ्टरनून में थोड़ा सा नीचे आ गई। लेकिन दोनों इंडेक्स ने एक अच्छी चीज़ आज क्या की कि एक इम्पोर्टेंट दोनों इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आज बचाने का एफर्ट किया, और लास्ट में जाते जाते एक अच्छा बाइंग या इसमें दोनों इंडेक्स में देखने के लिए मिला। ओके, तो पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आज क्या हुआ, और फिर चलते हैं कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो पहले हम निफ्टी में देखेंगे एक बार। जैसा कि कल हमने प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि थोड़ा गैप अप हो सकता है, तो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ आज यहाँ पे। गैप के बाद थोड़ा ऊपर भी गया, और एग्जैक्टली वहीं पे जो हम लोगों ने जोन एक सेट किया था कि इसके ऊपर एकदम से रिज्यूम हो सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। अगर आप चेक करेंगे, ये वो गैप का रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली इसी सेम लेवल के आसपास से निफ्टी रिजेक्ट हुआ। ओके, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या रही, एक अच्छी चीज़ ये रही कि जो कल का ये जो जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी उससे पहले जो रेजिस्टेंस था इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया। ओके, तो अच्छी चीज़ क्या रही कि ज़्यादा नीचे नहीं गया। अगर आप इसको थोड़ा पीछे ड्रॉ करोगे तो पीछे भी आपको बैक में इसकी इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ सपोर्ट लेने का की कोशिश करी, और सपोर्ट ली भी, और सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा भी देख दोबारा ट्राई हुआ, लेकिन लास्ट में सेव कर लिया। और अच्छी चीज़ क्या रही कि क्लोजिंग डे हाई के आसपास हुई है, तो डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है और उस गैप जोन में आके क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे इतना गैप है तो इस गैप के बीच में आके क्लोजिंग हुई है, तो उम्मीद है कि कल के लिए पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। और गैप अप ओपनिंग के बाद ये वाला गैप कल फिल हो सकता है ईजिली। अगर गैप फिल होगा तो ईजिली 15,080 और 15,100 के आसपास निफ्टी इंडेक्स पहुँच जाएगा। थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो 15,000 के आसपास ओपन होगा। ओके, अगर गैप अप ओपन होता है तो आपका सीधा टारगेट फिर यही आएगा, वही फर्स्ट टारगेट ये हाई आपका 15,010, और मुझे लग रहा है इसके आसपास ही अगर गैप अप होगा तो इसके आसपास ही ओपन हो जाएगा। सेकंड टारगेट आएगा आपका यही, एक बड़ा रेजिस्टेंस है भाई, 15,080 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर आप सीधा ऑल टाइम हाई के आसपास, नहीं ऑल टाइम हाई नहीं, ये 15,170 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद फिर जो पीछे के रेजिस्टेंस हैं उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है कल इससे ज़्यादा ऊपर जाए, इतना भी चला जाएगा तो इतना सफिशिएंट है कल के लिए। मुझे अभी भी, मैंने उस दिन भी बोला था जिस दिन मार्केट गिरी थी, कि मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी डाटा और प्राइस एक्शन के हिसाब से 15,000 या 15,100 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, तो ये जोन में घूम सकता है अगले 2 दिन में, यही मेन इम्पोर्टेंट जोन है। अब नीचे जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी, अब इस लो से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक अब ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नीचे जाने के लिए नहीं है। 14,770 के नीचे ही जाके आपको शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें, उससे पहले शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट ना करें। ओके, डाटा एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर हम डाटा देखेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पे आप देखो 14,900 पे एक अच्छा खासा OI है 33 लाख का, और 15,000 पे अच्छा खासा OI है 51 लाख का। ओके, और PE साइड में जैसे कल भी मैंने बताया था बहुत कॉशियस है लोग, आज भी यहाँ पे आप देखोगे 14,800 पे 32 लाख OI आपको यहाँ दिखाई देगा, और नीचे फिर 700 पे थोड़ा OI है, 900 पे इतना OI इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ है जाते जाते भी, जबकि 900 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 919 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो बेसिकली अगर कल सुबह थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है, अगर 15,000 के लेवल के आसपास ओपन होता है, तो जिन लोगों ने यहाँ ये पोजीशंस बनाई हैं 900 पे और 15,000 पे, इन लोगों के ट्रैप होने की उम्मीद की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि ट्रैप हो ही जाएंगे। आज भी अगर आप देखोगे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये वही लोग हैं जब फ्राइडे गिरा था तो ये यहाँ पे स्ट्रेटल या कॉल सेल करे बैठे थे। मंडे में भी इनको क्या लगा कि आज बढ़ गया कल वापस नीचे आ जाएगा, और इसी उम्मीद में बैठे रहे। आज फिर से ऊपर खुला होगा तब ये ट्रैप होके निकले होंगे, अब ये कल ये ट्रैप होंगे तो कल ये निकलेंगे,
तो सुबह अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है और सूर्य के 15 मिनट में सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है सी साइड में, जो वापस से उसको रिज्यूम करेगी ट्रेंड को। ओके, और पी साइड में कल देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता है कि नहीं। बाकी फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग है और लॉन्ग बिल्डअप है, और इधर पूरा शॉर्ट बिल्डअप है। डाटा का स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन इतना ज़्यादा डाटा बुलिश साइड पर क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को अभी भी लग रहा है कि 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप है, 14 लाख आज नया ओआई ऐड हुआ है, या फिर 14 लाख यहाँ पे ऐड हुआ है। ये दो ही स्ट्राइक ऐसे हैं जहाँ पे 14 लाख ओआई आज ऐड हुआ है। तो 14,800 एंड 15,000, ये दोनों एकदम अच्छे लेवल है। चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो दोनों अच्छे लेवल है। ये 15,000 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर फिर से वो गैप है, और ये 14,800 के आसपास का लेवल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन दोनों को कभी ब्रेक करता है और ओआई में शॉर्ट कवरिंग आती है, तो हम लोग उसमें डायरेक्शन इजीली एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। व्यू मेरा अभी भी कल के लिए भी बुलिश है भाई, कल भी व्यू बुलिश रहेगा, और यही रीज़न है कि मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाला था। कल भी मैं जाते जाते 15,000 का स्ट्रेडल सेल करके गया था, और मेरे पास अभी भी वो होल्ड है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा जितना निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है आज भी। ओके, सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का डाटा भी एक बार उसके बाद चेक करेंगे, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ जरूर, लेकिन वो गैप में तो निफ्टी तो गैप तक फिर भी टच कर रहा है, गैप तक जा ही नहीं पाया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले, इतना ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। तो ये लेवल तक वो जा ही नहीं पाया, लेकिन एक अच्छी चीज़ है क्या है कि आज भी लगातार 35,000 अब बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है भाई। कल भी हम लोगों ने ये बात की थी कि ये 35,000 का एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है। अब जिस दिन भी ये ब्रेक होगा ना, एकदम आपका वाटरफॉल मिलेगा, ज़बरदस्त यहाँ पे मूवमेंट आएगा 35 के नीचे। पहले भी यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया था, फिर जब नीचे भी गिरा था तो इससे थोड़ा सा नीचे आके वापस रिजेक्ट हो गया था, फिर दोबारा भी ट्राई हुआ, फिर ऊपर आ गया, इसके ऊपर ही गैप से ओपन हुआ था, फिर नीचे गया मंडे में भी कल, तो भी यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया, फिर आज गैप अप भी ओपन हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद आफ्टरनून में एक बार नीचे गिराने का एफर्ट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ऑलमोस्ट 5-6 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है, एकदम अच्छा सपोर्ट बेस है अभी। इसको ब्रेक करेगा तो एकदम अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो बैंक निफ्टी के जो चार्ट के हिसाब से रेंज दिखाई दे रही है वो 36, ये 36 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर गैप है, जहाँ में गैप में अच्छा खासा 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, और नीचे 3500। अब ये एकदम जोन है जहाँ पर आपके लिए एकदम मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा इन दोनों जोन से बाहर जाते ही। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है तो मेरा ये मानना है कि इस जोन के ऊपर भी हम लोग कल बाइंग कर सकते हैं, 35,700 के ऊपर बाइंग की जा सकती है। ओके, और ये पहला टारगेट होगा, और उसके बाद अगले टारगेट फिर ओपन है, फिर उसके ऊपर एकदम यहाँ तक के लिए टारगेट ओपन है 500 पॉइंट्स का। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से इसने बुलिशनेस ज़्यादा नहीं दिखाई है निफ्टी के मुकाबले, अगर कल इस लाइन से नीचे ओपन होता है तो बहुत उम्मीद होगी कि रेंज में ही ट्रैवल करें कल भी, और हो सकता है कि एक्सपायरी भी रेंज में ट्रैवल करे, पर वो थोड़ा 2 दिन बाद का मैटर हो गया। कल हो सकता है कि यहाँ पे फिर से वापस अगेन रेंज में ट्रैवल करे और निफ्टी को भी वापस नीचे की तरफ खींचे, ऊपर ना जाने दे। डाटा में एक चीज़ क्या दिख रही है आज कि जाते जाते भी लोगों ने मार्केट ऊपर क्लोज हुआ आके डे हाई के आसपास, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे से ऊपर आया, उसके बाद भी जो डाटा क्रिएशन हुई है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डाटा क्रिएट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लास्ट में जाते जाते बहुत अच्छा डाटा क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न रहे लोगों को, या तो अभी भी लग रहा है कि ये वापस नीचे गिरेगा, इसीलिए लोग डर के मारे लॉन्ग ट्रेड अभी नहीं ले रहे हैं। बाकी कब कल पता चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि निफ्टी तो कल थोड़ा ऊपर ही खुलेगा जिस हिसाब से क्लोजिंग आखिर में हुई आते आते। बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी के मुकाबले वीक है। अगर हम यहाँ पे डाटा की बात करें तो आप देखोगे 35,000 पे जिसको हमने बोला कि अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे 11 लाख ओआई यहाँ पे और 6 लाख नया ओआई आज क्रिएट हुआ है, और कंप्लीट शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पे। ओके, और अगर हम ऊपर की तरफ चेक करें तो 15 लाख 36,000 पे ओआई है। तो मेरा स्ट्रैंगल सेल पड़ा है कल परसों से, कल से मंडे से 34,500 का और 36,500 का मेरा स्ट्रैंगल सेल है। मैं आज भी पूरे दिन इसमें आराम से बैठा रहा, और कल मुझे उम्मीद है कि मैं अपने स्ट्राइक्स को ऊपर लेके आऊँगा दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ एकदम अच्छा ओआई बिल्डअप है, 35 पे 11 लाख का, ओके यहाँ पे 11 लाख का ओआई क्रिएट है, और अगर आप देखोगे पी में किसी भी स्ट्राइक पे 11 लाख का ओआई नहीं है।
तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है डाटा के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 35 अगर टूटेगा आप जिस दिन भी, आज कल परसों, जब टूटे आपको एकदम बेहतरीन डाउनसाइड मूव देखने के लिए मिलेगा। ओके, और ऊपर 36 पे अच्छा एकदम 15,000 डाटा क्रिएट हुआ और सारा शॉर्ट बिल्डअप है, तो इसके ऊपर भी आपको अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। और चार्ट भी हमें यही बता रहा है, ये दोनों एकदम, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। बाइंग हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर खुले और सस्टेन करें तो यहाँ भी हम बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डाटा बुलिश है पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ एक जैसे यहाँ पे 36,000 को बहुत कस के पकड़ा है राइटर्स ने और उधर 15,000 को बहुत कस के पकड़ा है। तो अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं और यहाँ शॉर्ट कवरिंग आती है तो ऊपर अपसाइड में फिर एक बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। पर अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है तो ये दोनों ही लेवल एक्सपायरी के लिए बड़े लेवल होंगे। ओके, इस सीरीज के लिए। तो व्यू एक बार और कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। व्यू अभी भी ओवरऑल बुलिश है क्योंकि लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग अच्छी हुई, दोनों इंडेक्स ने आज अपने सपोर्ट जो लेवल थे उनको सेव किया अच्छे से, और जो ये लास्ट के कुछ कैंडल थे इन्होंने थोड़ी उम्मीद बनाई है कि कल सुबह एक अच्छा गैप अप देखने के लिए मिल सकता है कुछ पॉइंट्स का, और उसके बाद सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। और दोनों ही इंडेक्स अब गैप के आसपास है, ये तो गैप के अंदर ही आ गया है, अब ये गैप में ही रिज्यूम करेगा कल, लेकिन इसको गैप में तक आने में भी टाइम लगेगा। तो 15,000 एंड 14,800 सपोर्ट ऑफ मेजर, सपोर्ट ऑफ मेजर रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू डाटा, एंड 36,000 एंड 35,000 मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू डाटा। अब आपको उसी के हिसाब से प्लान करना है, दोनों की तरफ मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। ओके, जब तक 35 के ऊपर रहेगा तब तक मैं नीचे से पी शॉर्ट करता रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ठीक है भाई, अभी आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स को जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ अगर वो बेल आइकन भी आप दबाएंगे तो आपको जो भी अपडेट होता है, जैसे शाम को हम 8 बजे डेली इसको शेड्यूल रखते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं। और हमारी आयरन फ्लाई भी अभी चल रही है जो अभी फिलहाल प्रॉफिट में है, ये आयरन फ्लाई हम लोगों ने थर्सडे में बनाई थी अगर आप लोगों को याद हो, और अभी तो ये प्रॉफिट में है। और कल हमारा कोशिश, हमारी कोशिश ये होगी अगर कल थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हमें मिलता है तो हम लोग इसको ज़ीरो कॉस्ट पे ले आएंगे कि हमें लॉस ना हो एटलीस्ट। ये हमारी फ्लाई है, ये भी चल रही है, कुछ एडजस्टमेंट इसमें अब तक हुई है, सब कुछ ठीक रहा और ये हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, तो मैं इसकी इसका आपको सारे एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम किस लेवल्स को देख के किए गए थे वो मैं आपको सेंड करूँगा। अभी मैक्सिमम लॉस इसमें 8,700 का दिखा रहा है और कल हम कोशिश करेंगे कि इस लॉस को यहाँ पे ज़ीरो कर लें, क्योंकि परसों फिर एक्सपायरी है और फिर हम एक्सपायरी के लिए इसको खुला छोड़ देंगे, फिर कहीं भी एक्सपायर हो मतलब कम प्रॉफिट है या ज़्यादा है एटलीस्ट प्रॉफिट आना चाहिए। ओके, अभी फिलहाल थोड़े से प्रॉफिट में, पूरा मार्केट फॉल होने के बावजूद भी हम लोग इसमें टिके रहे। अब कल देखते हैं इसमें हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी करूँगा। अभी के लिए ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।